पवन सिंह के करीबी लोग नहीं बसने देना चाहते पवन सिंह का घर। पवन सिंह है कान के बेहद कच्चे। जी हां, पवन सिंह को लेकर ज्योति सिंह ने किया है बड़ा खुलासा। अपने हाल ही के इंटरव्यू में ज्योति ने पवन सिंह को लेकर कई राज खोले हैं। अपने घर टूटने की असली वजह ज्योति ने बताई है। आज तक जो सभी को यही लगता था कि ज्योति सिंह पवन सिंह से तलाक ले रही हैं और वो पवन के साथ नहीं रहना चाहती, तो इस पर भी ज्योति ने बताया कि डिवोर्स फाइल पवन सिंह ने किया है। उन्होंने पवन सिंह से रिक्वेस्ट भी की थी ऐसा ना करने को, लेकिन वो नहीं माने। इसलिए मैं भी पीछे हट गई, क्योंकि मेरा भी आत्मसम्मान है, मेरा भी स्वाभिमान है। आखिर कब तक मैं उनसे कहती रहूं कि रख लो मुझे, रख लो। तो वहीं जब ज्योति से ये पूछा गया कि आपका रिश्ता खराब कैसे हुआ, तो इस पर ज्योति ने कहा कि पवन सिंह के साथ दो चार लोग जो रहते हैं उनके आगे पीछे घूमते हैं, वो नहीं चाहते कि पवन सिंह का घर बसे और पवन का परिवार हो। इसी के साथ ज्योति ने ये भी कहा कि पवन सिंह कान के बेहद कच्चे हैं। वो अपना डिसीजन खुद नहीं लेते कभी। वो हमेशा जो उनके साथ चार लोग घूमते हैं वो जितना कहते हैं वो उतना ही करते हैं। जी हाँ, ज्योति की इन बातों को सुन सभी हैरान है कि पवन ऐसा कैसे कर सकते हैं, कैसे दूसरों की बातों में आकर पवन अपना रिश्ता खराब कर सकते हैं, वो भी शादी जैसा पवित्र रिश्ता। तो वहीं ज्योति ने अपनी परेशानियां भी बताई जो उन्हें तलाक लेते समय हो रही हैं। ज्योति ने बताया कि उन्हें हर बार डेट पर कोर्ट में आना पड़ता है, लेकिन पवन नहीं आते। वो कोई बहाना बनाकर टाल देते हैं, लेकिन ज्योति को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। उन्हें लोगों को फेस करना पड़ रहा है, जो कि उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन पवन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो अपनी लाइफ में मस्त हैं। वेल, तो ये सब कहना है ज्योति सिंह का। अब अगली तारीख 19 सितंबर को है। अब ये देखना है कि उस दिन भी पवन कोर्ट में आते हैं या नहीं। वेल, ज्योति के बयान पर आप सबकी क्या है राय, बताइए हमें नीचे कमेंट बॉक्स में। और भी ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।